सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नोएडा में 602 मंदिरों और 265 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के अनुपालन में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने नोटिस देकर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूरा पालन हो। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों मस्जिदों सहित अन्य पूजा स्थलों के अलावा विवाह भवनों और डीजे संचालकों का भी दौरा किया। मंगलवार को आयुक्तालय के अधिकारियों ने 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों, 268 मस्जिदों में से 265 मस्जिदों के साथ ही 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 217 बारात घरों, 182 डीजे संचालकों में से 175 डीजे संचालकों को भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल या डीजे संचालक ध्वनि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ राज्यों में त्योहारों के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने की संभावना है और आगामी दिनों में कई अन्य त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। सोमवार को लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की स्वतंत्रता है।